यूट्यूब आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी ने घोषणा की है, सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग को ये निर्देश दिए हैं, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए। पावर कॉरपोरेशन ने इस बारे में आवश्यक तैयारी कर ली, त्योहारों को लेकर यह फैसला लिया गया है। स्वच्छता प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए गए। धनतेरस, अयोध्या दीपोत्सव, देव दीपावली जैसे विशेष त्यौहार हैं, तो 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रदेश में बिजली पावर कॉरपोरेशन इस बारे में आवश्यक तैयारी कर ले, ये निर्देश दिए गए सीएम योगी की तरफ से। शांति सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिगत ये समय संवेदनशील है, तो लगातार आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश के मुखिया के द्वारा तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल अभी आदेश ये दिए गए हैं कि प्रदेश में हर जिले में हर गाँव में 24 घंटे बिजली सेवा दी जाए। चूंकि आगामी दिनों में 28 अक्टूबर से त्योहारी सीजन हालांकि चल ही रहा है, लेकिन 28 अक्टूबर से तमाम बड़े त्योहार जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, धनतेरस, दीपोत्सव, दीपावली और इसके साथ ही छठ महापर्व, तमाम बड़े त्योहार हैं, और जिसको देखते हुए 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली सेवा देने के आदेश दिए गए हैं मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए उपचुनाव से